नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हमेशा की तरह अपन बात करेंगे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड न्यूज एंड उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉप लेवल के MCQs फॉर्मेट में क्वेश्चंस। ओके, तो सेशंस के अंत तक जरूर बने रहिएगा। टुडे इज 1 अप्रैल 2021, आप सभी का दिन मंगलमय हो। धीरे धीरे एग्जाम्स हैं जो आपके नियरेस्ट आ रहे हैं, जैसे कि RBI ऑफिस अटेंडेंस के एग्जाम्स हैं, एडमिट कार्ड है वह रिलीज कर चुका है RBI, राइट। आई होप आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने डाउनलोड कर लिया है। नहीं किया है तो कल एक वीडियो बनाया है, उसमें जाके देख लीजिएगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो आपके पास बहुत कम समय बचा है RBI ऑफिस अटेंडेंस की जो तैयारी कर रहे हैं। अगर जिनको GK पढ़ना है, GK लास्ट मंथ के कवर करना है, रिविजन्स करना है, तो प्लीज़ यह वीडियो आप पूरा देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। ओके, RBI हो गया, IBPS हो गया, SSC एग्ज़ाम्स हो गया, CGLC, HSLs, रेलवे, NTPC या कोई भी एग्ज़ाम्स हो पर्टिकुलर, सभी एग्ज़ाम्स के लिए यह इम्पॉर्टेंट है। या अदर स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स की भी आप तैयारी कर रहे हैं, सभी में आपके बहुत काम आएगा। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो हो आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। ओके, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स, अच्छा लगे लाइक करिएगा, इम्पॉर्टेंट लगे तो औरों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा, ताकि अदर स्टूडेंट तक भी पहुंच सके। ओके, देखिए जो तैयारी कर रहे हैं, मैंने मंथली बेसिस पे टॉप लेवल के 100 क्वेश्चंस के PDF मैंने बना रखे हैं, राइट। जैसे जनवरी एंड हुआ तो जनवरी का, फरवरी एंड हुआ तो फरवरी का, अभी रिसेंट जो आपकी आज 1 अप्रैल है तो मार्च भी एंड हुआ है, उसका भी PDF मैं आपको बहुत जल्द मेरे चैनल्स पे मिल जाएगा, राइट। तो चैनल्स पे आपको बने रहना है। लास्ट मंथ के PDF अगर आपको चाहिए, कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा, सर हमको PDF चाहिए, मैं आपको अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट करवा दूंगा, आप बस कमेंट करिएगा, राइट। इसमें बैंकिंग गवर्नेंस, स्टैटिक GK, राइट, इंटरनेशनल्स, नेशनल्स, अफेयर्स, सभी टाइप के डेज, कौन कौन सी बुक है, सभी टाइप के इस PDF में अवेलेबल रहेंगे। एक बार PDF देखिएगा, कंटेंट को देखिएगा, फिर आप कमेंट कीजिएगा। ओके, ये टॉपिक बेस पर मैं जैसे कि वीडियो बनाता हूँ मंथ के एंड में, मार्च एंड हुआ तो उसके भी वीडियोज मैं बहुत जल्द मेरे चैनल्स पे अपलोड कर दूंगा, आप चैनल्स पे रेगुलर जुड़ते रहिएगा। ये फरवरी मंथ की बुक्स हो गई, ये आपकी ऑबिचुरी, ये बुक्स, ये आपके अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशंस जो बैंकिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। ये सभी में आपके काम आते हैं, राइट। तो एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, जो मैंने टॉपिक बेस पर वीडियो बना रखे हैं वह पढ़ लीजिए, एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर आपके नहीं पूछा जाएगा। ओके, अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट आपकी क्वेश्चंस की, राइट। यानी कि जो कल मैंने एक होमवर्क क्वेश्चंस दिया था आप सभी को, राइट, तो उस क्वेश्चंस का क्या आंसर्स था। फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डेप्टी गवर्नर KC चक्रवर्ती, राइट, KC चक्रवर्ती है जिनका निधन हो चुका है, जो अब ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके हैं। ही इज नो फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग वन, राइट। तो वह किस, उनका योगदान है, वह किस फील्ड में था, उन्होंने अपना योगदान किस फील्ड में, किस क्षेत्र में दिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो दो क्वेश्चंस बनते हैं, पहले तो ये गवर्नर हैं, राइट, एक गवर्नर रह चुके हैं, पूर्व राज्यपाल या पूर्व गवर्नर, राइट, जो बैंक के RBI के प्रमुख होता है ना, राइट, डेप्टी गवर्नर के रूप में इन्होंने भूमिका निभाई थी RBI की, राइट। तो वह किस फील्ड में अच्छा इनका कॉन्ट्रीब्यूशन था, तो वह था, दैट इज द फाइनेंशियल्स इंक्लूजन एंड लिटरेसी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके,
फाइनेंशियल्स इंक्लूजन्स एंड लिटरेसी, राइट, इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, राइट, और आरबीआई के डेप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं, याद रखिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर बॉम्बे महाराष्ट्र में है। शक्तिकांत दास जो कि 25वें गवर्नर हैं, 25th गवर्नर हैं, 24th उचित पटेल, 23rd रघुराम राजन। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं आज के इम्पॉर्टेंट सेशन पे। फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट डेज आज का है, दैट इज द 1 अप्रैल उत्कल दिवस, राइट, तो उत्कल दिवस है आज के दिन, राइट। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो यही कमेंट करेंगे कि सर उत्कल दिवस होता क्या है, राइट, तो ध्यान से समझिएगा। उत्कल दिवस एक उड़ीसा स्टेट, राइट, आप सब परिचित हैं, राइट, इसको उड़ीसा डे भी बोला जाता है। उड़ीसा अपना स्थापना दिवस है जो कि आपकी 1 अप्रैल को ही बोला जाता है, यानी कि इसको उत्कल दिवस भी बोलते हैं। अगर उड़ीसा दिवस भी बोलें तो भी कोई रॉन्ग नहीं है, उत्कल दिवस भी बोलें तो भी कोई गलत नहीं है। अभी रिसेंट में 3 स्टेट के स्थापना, 3 स्टेट के फाउंडेशंस एस्टेब्लिशमेंट डे अपन पढ़ चुके हैं। पहले पढ़ा था 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस, फिर पढ़ा था 30 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस, फिर दन्नाव आज की डेट में 1 अप्रैल यानी कि उत्कल दिवस, उड़ीसा दिवस जिसको कहते हैं। याद रखिएगा एग्जाम्स में कन्फ्यूजन्स के लिए उत्कल दिवस के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। ओके, तो उत्कल दिवस 1 अप्रैल को, मार्च की यानी कि कंप्लीट डेज आपके लिए मैं रिवाइज करते रहता हूँ, आगे भी करूँगा, आई होप अब आपको याद भी हो रहा होगा। ओके, उड़ीसा के बारे में बात करें तो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर से नवीन बाबू, नवीन पटनायक, गणेशी लाल है जो कि गवर्नर हैं उड़ीसा के, भुवनेश्वर इज द कैपिटल ऑफ उड़ीसा, याद रखिएगा। पीलीभीत, भीतरकनिका, सॉरी पीलीभीत नहीं है, भीतरकनिका नेशनल, भीतरकनिका जो कि आपका आपके उड़ीसा में स्टेट में ही है, याद रखिएगा। भीतरकनिका, सिमलीपाल नेशनल पार्क, भीतरकनिका नेशनल पार्क इस आपकी उड़ीसा में ही है, याद रखिएगा, राइट। उड़ीसा में एक स्कीम चलाई गई है किसानों के लिए, उस स्कीम का नेम रखा है दैट इज द बलराम स्कीम। बलराम स्कीम है जो कि उड़ीसा गवर्नमेंट की है, किसानों के लिए स्कीम है, उड़ीसा गवर्नमेंट ने ही शुरुआत की है, याद रखिएगा। ओके, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स पहला एडिशन है जो कि आपकी उड़ीसा में ही हुआ था, जिसमें पंजाब रहा था, और दूसरा एडिशन है जो कि कर्नाटका में हुआ था, याद रखिएगा। ओके, क्लियर, बलराम स्कीम्स उड़ीसा की है और केलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो कि आपका पहला एडिशन उड़ीसा का में ही हुआ था, राइट। भुवनेश्वर इज द कैपिटल ऑफ उड़ीसा, मोर जीवंस, मोर प्रतिभा, राइट, मोर जीवंस, मधु एप्लीकेशंस, राइट, ये सारे के सारे आपके उड़ीसा के ही हैं। ओके, मधु बाबू पेंशन योजना, राइट, जो ट्रांसजेंडर्स है उनको ये स्कीम है, मधु बाबू पेंशन योजना, राइट, ये आपकी स्कीम है मधु बाबू पेंशन योजना जो कि आपकी उड़ीसा स्टेट की ही है, याद रखिएगा। इज इट क्लियर, समझ में आया आपको तो थम्स अप बटन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं आज की इम्पोर्टेंट न्यूज पे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर एस्पिरेंट्स, इंडिया जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी टू ग्रो 7.5% से 12.5%। फाइनेंशियल्स ईयर 2022 में सीज वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक के द्वारा 2022 में ग्रोथ रेट बताई गई है कि 7.5 से 12.5, यानी कि 7.5 से 12.5% तक आपकी ग्रोथ रेट इंडिया की रह सकती है, जो कि एक अच्छा अनुमान है, अच्छी पोजीशंस पे हैं, राइट।
कुछ ऐसे ट्वीट्स भी, कुछ ऐसी न्यूज़ भी मेरे को पढ़ने को मिली थी जिसमें कहा गया था कि इन फ्यूचर्स भारत ही एक ऐसा होगा जो पांचवी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा, राइट। इस आर्टिकल्स में भी कहा गया है कि पांचवी विश्व की पूरे के पूरे वर्ल्ड की फिफ्थ इकोनॉमी, फिफ्थ GDP बन के उभरेगा भारत आफ्टर कोरोना, COVID-19 से, राइट। COVID-19 के बाद, कोरोना वायरस के बाद, ओके। तो यह भी एक न्यूज आई थी। तो कह सकते हैं अभी रिसेंट में अभी भारत की पोजीशंस हैं ग्रोथ में, जो इंडस्ट्रीज हैं, उद्योग धंधे हैं, बहुत सारे रनिंग में आ चुके हैं, ओके। धीरे 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 स्टार्ट हो रहा है, धीरे धीरे ग्रोथ रेट प्रोडक्ट अच्छे से हो रही है। GST का आंकड़ा आप देख लीजिए, 100 लाख करोड़ रुपीज से पार पहुंच रहा है, राइट। तो इसका एक मेन रीजन यही है कि इंडस्ट्रीज का स्टार्ट होना, यही ग्रोथ रेट अच्छे के संकेत हैं। वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करें तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC, जो कि US में है, ओके। डेविड मलपास हैं, जो कि रिसेंट में प्रेसिडेंट है, याद रखिएगा। MD है मार्गरेट स्प्रिंग्स, दैट इज द अंशुला कांत, जो कि रिसेंट में बहुत ज़्यादा न्यूज में है। MD है अंशुला कांत वर्ल्ड बैंक में, जो कि इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करती है, यानी कि इंडिया से बिलोंग करती है, जो MD एंड CEO है अंशुला कांत। मेन पर्पज, मेन मोटो वर्ल्ड बैंक का क्या है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई भी पॉवर्टी यानी कि गरीबी रेखा से नीचे है उनको उभार कर एक अच्छी लाइन में लाना, राइट। गरीबर यानी कि अबाउ पॉवर्टी लाइन, राइट, उससे आगे आगे बढ़ाना, ये मेन मोटो रहता है वर्ल्ड बैंक का, राइट। किसी भी कंट्री को इसके बाबत लोन भी सैंक्शन करवा जाता है, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट है कोर सेक्टर, जो एक इंडिया के 8 कोर सेक्टर ऐसे हैं जिससे पता चलता है कि मार्केट की पोजीशंस क्या है। कॉन्ट्रैक्ट 4.6% इन फरवरी मंथ, एंड कि फरवरी मंथ जो कंप्लीट हुआ है उसमें 4.6% कॉन्ट्रैक्शंस के बेसिस पे ज्ञात की गई है कोर सेक्टर की आउटपुट, ओके। कोर सेक्टर में 8 ऐसे प्रोडक्ट आते हैं, 8 ऐसे, एक तरह से कह सकते हैं, जैसे कि आपकी कोयला हो गया, क्रूड ऑयल्स, कच्चा तेल हो गया, नेचुरल्स गैस हो गई, रिफाइनरीज प्रोडक्ट्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गया, स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, एंड इलेक्ट्रिसिटी, राइट। ये सारे के सारे 8 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसके बाबत कोर सेक्टर की आउटपुट ज्ञात की जाती है, ओके। तो 4.6% रही है फरवरी मंथ में कोर सेक्टर की कॉन्ट्रैक्शंस में। नेक्स्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नोटेड मराठी राइटर, डेट इज द शरद कुमार, राइट, शरण कुमार लिंबाले हैं, जो कि सरस्वती सम्मान 2020 से सम्मानित हुए हैं, ओके। सरस्वती सम्मान किसको मिलेगा, तो दैट इज द डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले, राइट। पर्टिकुलर प्राइस क्या है, तो के बिरला फाउंडेशन है, इन्होंने इस प्राइस की घोषणा की थी 1991 में, राइट। 1991 में इस प्राइस की घोषणा की थी कि सरस्वती सम्मान दिया जाएगा जो भी अपने फील्ड में, यानी कि एक पर्टिकुलर साहित्य के फील्ड में, टोटल्स 22, यानी कि 22 ऐसी लैंग्वेज है, उनके ऊपर अच्छी कमांड होना, अच्छा काम करना, उसी व्यक्ति को यह सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया जाता है, राइट। तो यह मिला है, दैट इज द शरद कुमार लिम्बाले, जो अपने थंबनेल पे देखा होगा, और 15 लाख रुपीज इनकी प्राइस है। ₹15 लाख इस प्राइज को जीतने वाले को मिलते हैं, राइट। जिसको भी ये प्राइज मिलेगा, ये 15 लाख रुपए मिलेंगे, ओके। सबसे बड़ा साहित्यिक अवार्ड है अपने प्यारे भारत में, सरस्वती सम्मान। क्लियर हुआ, समझ में आया, एक एक चीज को मैं अच्छे से क्लियर करता जा रहा हूँ। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई चीज आपको पूछनी हो, नहीं समझ में आए हो, दोबारा पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई आपको जरूर कर दूंगा, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं आज के क्वेश्चंस पे।
फर्स्ट ऑफ ऑल सर, वर्ल्ड थिएटर डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली। वर्ल्ड थिएटर डे यानी कि विश्व रंगमंच है, जो कि 27 मार्च को आपकी बनाया जाता है, राइट। 27 मार्च को वर्ल्ड वर्ल्ड थिएटर डे के रूप में बनाते हैं, राइट। इट मीन्स आपके जो मार्च मंथ है, मार्च के कंप्लीट डेज में डिस्कस करवा चुका हूँ प्रत्येक वीडियो में, और कल तक मैं आई होप कल तक मैं आपको पूरा का पूरा मार्च का एक कंप्लीट वीडियो भी दे दूंगा सेपरेट, जिसमें आपके डेज रहेंगे, थीम रहेगी, कौन सी थीम है, सभी का एक साथ में आपको वीडियो मिल जाएगा। आपको चैनल्स पे आपको बने रहना है, ओके। मैन इम्पॉर्टेंट क्या है, 22nd ऑफ मार्च को वाटर डे, राइट। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक तो 16 ऑफ मार्च को वैक्सीनेशन डे, टीकाकरण इस बार पूछा जा सकता है, याद रखिएगा 16 मार्च को। एक है 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे, जो कि 8 मार्च को मनाते हैं। एक 14 मार्च को पाई डे के रूप में भी मनाते हैं। ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ओके। अगर लास्ट मंथ के भी अगर आपको चाहिए कि सर मेरे को फरवरी मंथ के भी चाहिए, जनवरी मंथ के भी सारे के सारे डेज पढ़ने हैं, तो डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक मैंने स्पेशली आप सभी के लिए तैयार करके बनाया है। लिंक भी आप देख लीजिएगा, लिंक के माध्यम से भी आप जा सकते हैं। पीडीएफ चाहिए तो बता दीजिएगा। सर मेरे को तो लास्ट 6 मंथ का भी चाहिए, तो लास्ट 6 मंथ का भी एक पीडीएफ मैंने तैयार किया था। आप में से बहुत से ऐसा स्टूडेंट है जिन्होंने डाउनलोड किया है, अगर आपने नहीं किया है, आपका एग्ज़ाम से 9 से 10 अप्रैल के, तो आप इस पीडीएफ को एक बार जरूर वॉच करिएगा, जरूर देखिएगा, राइट। बहुत ही इम्पोर्टेंट पीडीएफ है, बहुत मेहनत करके मैंने ये पीडीएफ तैयार किया था, राइट। देखिएगा, इतनी श्योरिटी है, क्वेश्चंस अगर डीज बीस का बनाएगा ना, तो इनमें से बाहर नहीं बनाएगा, राइट, याद रखिएगा। नेक्स्ट एक बुक पेज पर है, हु हैज ऑथर्ड द बुक टाइटल्स माय एक्सपेरिमेंट विद द स्लाइड साइलेंस, राइट। तो यह पुस्तक लिखी है, दैट इज द शमीर शोरी, राइट। समीर शोरी ने यह पुस्तक लिखी है। इनके दिमाग में जो थॉट है, इनके दिमाग में जो विचार हैं, इंट्रोस्पेक्टिव थॉट्स हो गई, मोस्ट इंटेंस इन शेयर ऑफ डार्केस्ट, राइट। तो इस पुस्तक में इन्होंने वर्णन किया है। तो किसने लिखी है, माय एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस, तो पुस्तक लिखी है समीर शोरी। देखिए, आज भी एक अपन ने अवार्ड्स के बारे में डिस्कस किया था, और पिछले कुछ दिनों से मैं एक एक यानी कि पिछले 2 या 3 दिनों से मैं एक अवार्ड के बारे में आपके साथ शेयर कर चुका था, हु विल बी ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस महाराष्ट्र भूषण अवार्ड फॉर द ईयर 2020, यानी कि 2020 में महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किसको किया गया है, राइट। तो वह अवार्ड से सम्मानित होगी, दैट इज द आशा भोसले, राइट। आशा भोसले हैं जिनको महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, ओके। ये कटिंग्स भी आप देख लीजिए, राइट। कैश प्राइस इसमें 10 लाख रुपीज का कैश प्राइस है, महाराष्ट्र भूषण में 10 लाख रुपए इनको दिए जाएंगे, ओके। आशा भोसले से आप सभी परिचित है, सबको पता है ये कौन है। हु हैज बिन रिकमेंडेड एज द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाय द इनकम्बेंट इनकम्बेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबड़े, शरद अरविंद बोबड़े, राइट। उनकी जगह पर इनको नियुक्त किया जाना है। मुख्य रूप से किस न्यायाधीश की भूमिका सबसे पहले आती है, तो वह है, दैट इज द जस्टिस एन वी रमन्ना, राइट। एन वी रमन्ना है, उनका नाम सबसे फर्स्ट पोजिशन पे है, यानी कि शरद बोबड़े हैं, शरद अरविंद बोबड़े हैं, उनका रिटायरमेंट की एक तरह से रिटायरमेंट की एज है, रिटायरमेंट की डेट है, वह आ चुकी है, राइट। जस्टिस एन वी रमन्ना, ओके। ये देख लीजिए, 48वें CJI होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, अगर इनको चार्ज मिलता है तो, ओके। अभी रिसेंट में आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि अभी रिसेंट में सुप्रीम कोर्ट में टोटल्स कितने जज हैं, यह आप कमेंट करिएगा। हु हैज बिन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया,
भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चेयरमैन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर फूड कॉरपोरेशन एफसीआई के अध्यक्ष के रूप में किसको बनाया है? तो वह बने हैं, दैट इज द अतीश चंद्र। अतीश चंद्र हैं जो कि रिसेंट में आपकी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के। इज इट क्लियर? डी ऑप्शंस आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अपॉइंटमेंट की बात करें बैंकिंग एग्जाम्स के लिए तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरी ये वीडियोज, बहुत हेल्प की है स्टूडेंट की, जिन्होंने एग्जाम्स दिए थे लास्ट के जो एग्जाम्स हुए थे, और जिन्होंने नहीं दिया है अभी एग्जाम्स हैं, तो यह वीडियोज आप एक बार जरूर वॉच कर लीजिएगा। ये फरवरी मंथ का था, ये अप्रैल से लेकर दिसंबर मंथ का। जनवरी का चाहिए तो डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक है, फरवरी का चाहिए तो डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक है, और मार्च महीने का बहुत जल्द मैं वीडियो आपके लिए बना दूंगा। ओके, हु वाज इलेक्टेड एज चेयरमैन चेयरपर्सन ऑफ स्टैंडिंग कॉर्पोरेशन एंड स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस स्कोप रिसेंटली? हाल ही में लोक उद्यम स्कोप की स्थायी सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? राकेश कुमार, शोमा मंडल, आरजी राजन, निर्मल सिंह या नन ऑफ दिज? नन ऑफ दिज। तो किसे चुना गया है? तो वह चुनी गई है, दैट इज द शोमा मंडल। स्टील सेल की भी यह चेयरपर्सन हैं शोमा मंडल, और स्कोप की भी चेयरपर्सन बनी गई है। याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शोमा मंडल से रिलेटेड क्वेश्चंस बार बार बनता है, तो याद रखिएगा यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट देखिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स सीईओ ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूआईडीएआई के अध्यक्ष के रूप में, सीईओ के रूप में किसको नियुक्त किया है? दैट इज द सौरभ गर्ग। ओके, सौरभ गर्ग हैं जो कि यूआईडीएआई यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीईओ बने हैं, सौरभ गर्ग। ओके, विच एडिशंस हुनर आर्ट इज बींग ऑर्गेनाइज एट काला एकेडमी पणजी इन गोवा? कला एकेडमी गोवा में पणजी की कला अकादमी में हुनर आर्ट का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? देखिए, सबको पता है कहाँ आयोजित होगा, सबको पता है क्या आयोजित हो रहा है, बट क्वेश्चंस मैंने क्या बनाया है, एडिशंस। ये मेंस का क्वेश्चंस है, ये मेंस का डेफिनेटली क्वेश्चंस बनता है सी टाइप से, तो वह है 28th एडिशंस, 28वां एडिशन था गोवा के पणजी में कला अकादमी में हुनर हाट का। 28वां एडिशन याद रखिएगा। गोवा की बात करें तो गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत, पणजी इज द कैपिटल ऑफ गोवा, भगत कोश्यारी जो कि महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, उनको एडिशनल चार्ज के रूप में यह चार्ज भी दिया गया है। याद रखिएगा। ओके, तो 28th संस्करण, 28th एडिशन। वर्ल्ड फर्स्ट शिप टनल इज बींग बिल्ट इन विच कंट्री? विश्व का पहला जहाज सुरंग है जो किस देश में बनाया जा रहा है? तो वह बनाया जा रहा है जहाज का सुरंग, यानी कि जहाज चलेगी, उसके लिए सुरंग बनाया गया है, तो वह बनाया गया है, दैट इज द नॉर्वे। नॉर्वे में विश्व का पूरा का वर्ल्ड का फर्स्ट शिप टनल है जो कि आपकी बनाया जाएगा, याद रखिएगा। नॉर्वे इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला नमक राइस हैज गॉट जीआई टैग फ्रॉम विच स्टेट डज दिस राइस बिलोंग्स? यह चावल किस राज्य के हैं? इस चावल्स को काला नमक चावल जिसको जीआई टैग भी मिला है, तो वह कौन से स्टेट के हैं, यह आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है।
मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या झारखंड या नाना प्रदेश। ओके, इसका आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, सर्च करिएगा गूगल्स पे, राइट। और जो भी मैंने पीडीएफ आपके साथ शेयर किए हैं, अगर आपको चाहिए इनमें से किसी भी पीडीएफ का वीडियो देखना हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में अवेलेबल है। अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा, अदरवाइज टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल है, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल्स पे न्यू जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप यू आर एंजॉय द सेशंस। इफ आई एंजॉय द सेशंस तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स। प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल्स। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।